नमस्कार, नेशनल खबर 9 में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं इस वक्त बुलेटिन देश प्रदेश। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे तमाम शहरों से तमाम अहम और बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले डालते हैं इस खबर पर एक नजर। भगवा कपड़े पहनकर करता था प्रतिबंधित मांस की तस्करी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शनिवार को शेखपुर अलीपुर गांव में दबिश के दौरान गोकशी करते हुए दो आरोपी को धर दबोचा, जबकि उसके तीन साथी भागने में कामयाब हो गए। पकड़े गए आरोपियों को पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मौके से 80 किलो मांस अवशेष व उपकरण बरामद किए हैं। इस संबंध में थाना प्रभारी शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना मिलते ही शेखपुर अलीपुर गांव में दबिश के दौरान कुछ लोग गौकसी कर रहे हैं। पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां तीन लोग गौकसी कर रहे थे। पुलिस को देखकर तीनों ने भागने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस ने दो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दो फरार हो गए। मौके से 80 किलो मांस और गौकसी करने में उपयोग किए जाने वाले उपकरण तथा एक वैन यूपी 32 सीवी 3595 तथा 7 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। पकड़ा गया आरोपी ग्राम शेखपुर अलीपुर निवासी रहमत अली पुत्र पतेली थाना फतेहपुर का, दूसरा सादाब पुत्र अब्दुल लतीफ को पकड़ लिया। अन्य मौके से फरार हो गए। देश और दुनिया की ऐसी तमाम खबरों की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ सिर्फ नेशनल खबर 9 पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।